हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो काफ़ी दिन बाद अपन वापस लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से लेक्चर नहीं आए। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एओडी। एओडी का टॉपिक है एक रोलेस थ्योरम, रोल प्रमेय, जो राजस्थान बोर्ड में एक्सरसाइज 7.6 है उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली आरबीएससी के लिए है लेक्चर, इसके बाद वाला फाउंडेशन के लिए होगा। ठीक है, तो फाउंडेशन वालों को तो आरबीएससी भी पढ़नी होती है और फाउंडेशन भी पढ़ना होता है, तो आप दोनों पढ़े। ठीक, और बोर्ड वाले तो खास ध्यान रखें इसमें। तो स्टार्ट करते हैं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है ये, जिसमें रोलेस थ्योरम ले रहे हैं। इसके बाद अपन लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम लेंगे और भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो रोलेस थ्योरम, रोल प्रमेय, रोले प्रमेय, क्या होता है ये? ये देखिए, आपको इसमें क्या क्या गिवन होगा। यदि फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार से है कि आपको क्या गिवन होगा, एक तो फंक्शन गिवन होगा, ये चीज़ गिवन होगी, और इंटरवल गिवन होगा। किस प्रकार से है? फर्स्ट, यदि एफ एक्स फलन एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में सतत हो, सतत हो, ए कोमा बी में सतत होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि और यदि एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ठीक, अवकलनीय में अपन स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। थर्ड, और यदि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, ए कहाँ से आएगा? इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट। बी कहाँ से आएगा? इंटरवल का बाद वाला पॉइंट। इसमें तो कंटिन्यूस हो, इसमें डिफरेंशिएबल हो, और ये दोनों चीज़ बराबर हो। ठीक, तो रोले के अनुसार निष्कर्ष देखिए इसका। रोले के अनुसार निष्कर्ष लिख रहा हूँ, इसका कॉन्क्लूजन। रोले के अनुसार अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एक मान या एक बिंदु एक्स बराबर सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ सी क्या है? ए और बी के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बराबर नहीं है। तो रोले प्रमेय मतलब सत्यापित हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सत्यापित कीजिए कि रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो अपन को ये सब कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक बार इसको नोट में और लिखता हूँ एक पॉइंट, उपरोक्त तीनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त सत्य नहीं हो, लागू नहीं हो, तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकता।
ये अपन को आंसर देना है अगर कोई एक शर्त भी फेल हो रही हो। चलो दोबारा सुने, अपन के पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन दैर्ध्य का अंतराल देख रखा है तो इसमें रोले भर में सत्यापित कीजिए, तो फटाफट से ये तीन कंडीशन चेक करनी है। ये तो खाली आँखों से चेक करना है, ये भी आँखों से चेक करना है। कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके आप, उसके कुछ थ्योरम काम आएंगे, वो थ्योरम मैं लिख भी दूंगा अभी इधर। और ये चीज़ क्या है, अंतराल के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर बिंदुओं को फलन में पुट करना, उन पर मान समान आ रहा है तो अपन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू इसमें चेक करनी रहेगी, इसमें जांच करनी रहेगी कि सी इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, आ रहा है तो रोले पर इससे सत्यापित हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। हाँ भले ही तीनों कंडीशन सही हो लेकिन सी की वैल्यू इसमें नहीं आ रही है तो रोले पर में सत्यापित नहीं हुआ। अच्छा नोट में क्या लिखा है, तीनों कंडीशन में से एक भी फेल आ गई, मान लो सतत आ गया, अवकलनीय नहीं आया, तो अपन थर्ड कंडीशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मना कर देंगे कि रोले पर में सत्यापित नहीं किया जा सकता। मान लो सतत भी नहीं आया, असतत हो गया, तो भी अपन आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर मना कर देंगे कि उपरोक्त फंक्शन रोले प्रमेय की शर्तों को सत्यापित को सत्य नहीं करता है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई सारी बात, तीनों कंडीशन मस्ट है, उसके बाद ये चीज़ भी मस्ट है। ठीक है, तो मैं कुछ नियम की बात कर रहा था, कुछ नियम लिख देता हूँ। नोट नंबर 2, आपको ये पता है दो फंक्शन एफ और जी, एफ और जी दो फंक्शन है, एफ और जी ये तो सतत है और ये भी सतत है, ये सतत और ये असतत, ये असतत मतलब और ये भी असतत, मतलब मैंने क्या लिखवाया कि या तो दोनों सतत हो या दोनों असतत हो या फिर कोई एक सतत हो, तो इनका योगफल क्या आएगा, योगफल सतत के केस में जब दोनों सतत हो तो सब सतत आते हैं, सब बोले तो योगफल इनका माइनस इनका गुणनफल सब सतत आएगा, दोनों सतत हो तो जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सतत। ठीक, और असतत हो तो सतत और असतत, तो ये दोनों असतत आएंगे और ये भी असतत आएगा, और इनके बारे में नो कमेंट्स, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, नो कमेंट्स, इसमें भी ऐसे ही है। तो देखिए डैश का मतलब समझ में आ गया ना, डैश का मतलब वही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये होता है। तीसरी बात भाई, असतत कहाँ मिलता है, असतत कौन से फलन में मिलते हैं, असांतत्य, असतत डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलते हैं, फंक्शन या तो महत्तम पूर्णांक फलन हो, ठीक है, या फिर भिन्नात्मक भाग फलन हो, या फिर सिग्नम फलन हो, सिग्नम फलन हो, या फिर जिसमें हर हो, डिनोमिनेटर हो, और या फिर अपन ये से कहेंगे जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही हो, जहाँ डेफिनेशन, यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही हो। परिभाषित फलन में देखते हैं कि 0 से 1, 1 से 2, तो डेफिनेशन कहाँ हो रही है, एक चेंज कहाँ हो रही है, एक पर, तो एक पर क्या मिलता है, अधिकतर चेक करना रहता है कि असतत है या नहीं है। तो खासकर ये वाले क्वेश्चन में अपन को
असतत मिल सकता है, असतत मिल सकता है, मतलब इन क्वेश्चन में चेक करना होता है। बाकी कौन से रह गए? बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन और चरघातांकीय फलन, ए की पावर एक्स चरघातांकीय फलन बोलते हैं इनको। बहुपदीय फलन किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वगैरह, अचर भी इसमें ले लेना। ये सब क्या होते हैं? सतत होते हैं। चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय त्रिकोणमिति, साइन एक्स कोस एक्स और ये एक्स मॉड एक्स। ये एक केस ऐसा है जैसे मॉडुलस फंक्शन मतलब सतत तो होते ही है। अवकलनीयता का भी पता होना चाहिए, ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हो। साइन एक्स कोस एक्स चरघातांकीय हो गया, लॉग एक्स अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं, और भी बहुत कुछ है। अभी मैं ये लिख रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी जगह पर सतत होते हैं। ठीक, ये पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट और सुन लो, फिफ्थ पॉइंट क्या है? मोड। मोड्स कहाँ? मोड तो हमेशा सतत होता है। मापांक फलन लिख दो यहाँ पर, हमेशा सतत होते हैं, लेकिन मोड जहाँ जीरो हो रहा होता है वहाँ पर अवकलनीय नहीं होता है। मोड जहाँ जीरो हो रहा होता है वहाँ पर अवकलनीय नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एक्स माइनस 3, तो क्या लिखोगे आंसर? एक्स बिलोंग्स टू आर पर सतत, लेकिन अवकलनीय कहाँ नहीं है? 3 पर नहीं है, क्योंकि 3 पर ये जीरो हो रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 3 को हटा दो, पर अवकलनीय। और मैं ये कहूँ कि कहाँ पर अवकलनीय नहीं है? खाली 3 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको पहले से पता है, तो अपन को ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बात अपन खाली देखेंगे, ओनली निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है, ओनली ऑब्जर्व करना है, आंखों से देखना है, फिर ये अपन को चेक करना है और ये करना है। ठीक है, ये थ्योरी ख़त्म हो गई, इसका ज्यामिति नियम देखेंगे और थोड़ी सी थ्योरी और है, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, तीनों शर्त में से कोई एक भी शर्त अगर फॉल्स हो रही है, असत्य मिल रही है, तो आगे नहीं जाना है, वहीं पर स्टॉप कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे रोल पेपर में सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बात आगे समझ में? इतनी सी थ्योरी है। चलो इसको नोट करो। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ रोलेस थ्योरम का, वो नोट कर लेना आप। ठीक है, बाकी वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो तो समझ में आ ही गए होंगे, है ना? कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी में पढ़ रखा है। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये मैं लिख रहा हूँ। ए फंक्शन एफ एक्स इज लाइज इन इंटरवेल ए कोमा बी सच दैट, फर्स्ट पॉइंट वही है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कोमा बी, इफ एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल इन ए कोमा बी। हिंदी में बोलते हैं सतत और इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस। अवकलनीय है इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेंशियबल। बाकी वही कहानी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम एट लीस्ट वन पॉइंट सी, जस्ट अ मिनट, रोलेस थ्योरम इन इंटरवेल ए कॉमा बी देर एग्जिस्ट को इंग्लिश में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
मैथ्स में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू एट लीस्ट वन पॉइंट फॉर विच इसके लिए फंक्शन क्या होगा इज एफ़ सी इज इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन विल बी एफ सी इक्वल टू ज़ीरो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है वेयर सी सी क्या है ए और बी के बीच में आएगी वैल्यू इक्वल भी नहीं होनी चाहिए इम्पोर्टेंट है ये भी जस्ट अपन को इसको चेक करना रहेगा ठीक है तो हिंदी मीडियम वाले इसको नोट नहीं करें इंग्लिश मीडियम वाले नोट करें खाली और इंग्लिश मीडियम वाले पहले वाले को नोट नहीं करें बाकी जो समझाया है वो तो सेम है ठीक है समझ में आ गया होगा इसके बाद अपन इसका ज्योमेट्री मीनिंग देख लेते हैं इसको नोट कर लो और ये बी ए बी कोमा ज़ीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेस थ्योरम में अपन क्या देख रहे हैं एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें अपन को कंडीशन में जो है वो समझा रहा हूँ रोलेस थ्योरम की तो एक पॉइंट था ए कोमा ज़ीरो एक पॉइंट हो गया बी कोमा ज़ीरो इंटरवल दे रखा था इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिए अब ए कोमा बी में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस आ रहा है ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है ग्राफ शुड नॉट बी ब्रेक ये कंटिन्यूटी की पहचान होती है डिफ्रेंशियबिलिटी ग्राफ शुड नॉट हैव शार्प एज ग्राफ में तीखी चोंच वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए था है ना चोंच आ गई तो जहाँ चोंच आ जाती है वहाँ डिफ्रेंशियबल नहीं होता है तो अपन ए और बी में डिफ्रेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक कर पा रहे हैं कि हाँ है सांतत्य और अवकलनीय है अब इन पे वैल्यू पता करो किस पे ए और बी पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ये लेट कर लेता हूँ तो देख रहे हैं आप कि ये जो वैल्यू है ये सेम आ रही है एफ ओ पे और यहाँ पर एफ ओ बी भी यही आ रहा है जैसे ये हाइट मान लो ये टू आ रही है तो ये भी टू ही आ रही है अगर ऐसा आ रहा है अगर ऐसा हो रहा है तीनों कंडीशन चेक कर पा रहे हैं अपन ठीक अगर ऐसा हो रहा है तो रोलेस थ्योरम ने क्या कहा तो रोलेस ने क्या कहा कि इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं जहाँ पर उस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी देखो ये हाँ यहाँ पर अपन को ये सी पॉइंट है सी कोमा ज़ीरो तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं एफ डे सी इक्वल टू ज़ीरो पर डिफ्रेंशिएशन किसको बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है एक्स एक्सिस की स्लोप प्रवणता कितनी होती है ज़ीरो वैसे ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग फाउंडेशन में है तो थोड़ा ध्यान दें एक्स एक्सिस की प्रवणता स्लोप कितनी होती है ज़ीरो और इसकी एफ डे सी इक्वल टू अपने रोलेस के अकॉर्डिंग क्या रहा था ज़ीरो तो ये दोनों पैरेलल होगी नहीं होगी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि आप जानते हो कि पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है ठीक समझ में आ गई बात तो अपन इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख लेते हैं अंतराल
ए कोमा बी में कम से कम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेस थ्योरम, कम से कम एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर या क्षैतिज स्पर्श रेखा होगी, एक्स एक्सिस के समांतर होगी, ठीक। एटलीस्ट 1 point in between A to A, there will be a horizontal tangent, ठीक है। ये इसकी हिंदी हो गई, ये इसकी इंग्लिश हो गई। एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे ये इस ग्राफ में देख रहे हैं आप, जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ए पर वैल्यू है और ये बी पर वैल्यू है, ये सेम आ रही है, तो ये एफ ऑफ ए है और यही एफ ऑफ बी है। तो आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में कम से कम 3 point ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉन करूँगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब ये, ठीक है ना। ये मान लो सी वन और ये सी टू और ये C3, तो F डैश C1 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0, F डैश C2 0, F डैश C3 0, मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी थी, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 point, समझ में आ गई बात। चलो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ज्यामिति नियम, नोट करें इसको। यस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है वैसे, नेक्स्ट नहीं है। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फलनों में रोले प्रमेय के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या देख रहे हो आप, फंक्शन देख रहे हो और इंटरवल देख रहे हो, फलन और अंतराल देख रहे हो हर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर अपन कोई भी इंटरवल ले सकते हो, -2, 1, ठीक। हर क्वेश्चन में फंक्शन और इंटरवल दे रखा होगा, तो ये पहचान है एक तरह से देखा जाए तो। यस, रोलेस थ्योरम, तो इनको 1 by 1 करके अपन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इंटरवल क्या दे रखा है, ए कोमा बी क्या दे रखा है, -3 to 2, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप कंडीशन चेक करो, एफ एक्स कंटिन्यूस है क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, बस लिख के छोड़ दो, कंटिन्यूस है, क्यों है, क्योंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, लेकिन उसका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 number का क्वेश्चन आता है, बस इतना, 2-3 number का आ सकता है, मतलब इसके पार्ट बन के आ सकता है, जैसे डिफरेंशिएशन में 6 number का आता है, तो 3 number का ये हो सकता है रोलेस थ्योरम का, और 3 number का क्वेश्चन अलग डिफरेंशिएशन का हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक। दूसरा एफ एक्स, अच्छा इंटरवेल लिख देना है इसमें, -3, 2, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -3, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, कहा था मैंने स्मॉल ब्रैकेट क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी अवकलनीयता में अपन ने पढ़ा था कि कोने वाले बिंदु पर कभी अवकलनीयता चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर शार्प एज ही दिखती है, तो वहाँ चेक ही नहीं करते, ठीक। थर्ड एफ ऑफ ए, ए क्या है, तुलना करो, ए की जगह -3 पुट कर दो, बस फंक्शन में जाओ, यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6,
ये तो हो जाएगा 9 + 6 15, 15 - 15 0, एफ ऑफ बी बोलो, बी बोले तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 -3 टू -2 होगा, ये -2 कर देना, करेक्शन है -2। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, -2 + 6 बताओ क्या आएगा, 4 + 6 10, 10 - 10 0। तो अपन देख पा रहे हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये मिल गया। सो रोलेस कंडीशन आर ट्रू, देन अब इसके बाद क्या करना है अपन को, देखिए इसके बाद रोलेस थ्योरम की कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू रोले रोलेज एफ डे सी इक्वल टू 0। एफ डे सी बाय इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2x + 5, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में क्या पुट करना है सी, तो 2c इज इक्वल टू -5, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया -5/2। अब ये चेक करो कि ये c की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही क्या, -5/2 आ रही है ना, तो ये एग्जिस्ट करता है -3 - -2 इसमें ये आ रहा है, हैंस रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल, सत्य सिद्ध हुआ, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये लिखना है, मालूम नहीं आती तो अपन नॉट बिलोंग्स टू कर देते और नॉट एप्लीकेबल कर देते, समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो एक बार। सबसे पहले दिया गया फंक्शन लिखना है, इंटरवल लिखना है, और फटाक से वो दो बातें याद कर लो, कौन सी, संतति और अवकलनीयता वाली, क्या फंक्शन बहुपदी है तो सतत होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक। ऐसे तत्व तो किन क्वेश्चन में देखते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, भिन्नात्मक भाग फलन, और सिग्नम फंक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर आ रहा हो, हर आ रहा हो, और जिसमें डेफिनेशन चेंज हो रही हो, उसमें असंतत्य देखा जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, फिर एफ ऑफ ए और बी, ए और बी फाइंड कर लिया, बराबर मिल गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो उसके बाद अपन आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करें इसको, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक और देखते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, एम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो ये अपन को सोल्व करना है, तो वही एफ एक्स लिख लो आप, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, और इंटरवल आज क्या है, आज इंटरवल ए कोमा बी ही है, इंटरवल ए कोमा बी ही दे रखा है, चलो ए कोमा बी रहेगा आज। तो फर्स्ट पॉइंट वही फंक्शन अंतराल एफ एक्स अंतराल कैपिटल वन अंतराल में सतत है, सतत है, ठीक। दूसरा, अच्छा सतत क्यों है, समझ में आ गया ना, बहुपदी होगा, एम एन और एन तो क्या है, हाँ एम और एन क्या है, एम और एन तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, जैसे 2, 3 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुपदी ही आएगा, इसलिए सतत है। फिर क्या लिखना है, अंतराल छोटा कोष्टक में अवकलनीय है, अवकलनीय हो गया। तीसरा, एफ ऑफ ए 0 दिख रहा है, 0 हो जाएगा ये, एफ ऑफ बी 0 दिख रहा है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अतः रोले प्रमेय की सभी शर्तें सत्य है, तो रोले के अनुसार
रोले के अनुसार एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, समीकरण एक से। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है और एक्स की जगह सी पुट करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन कर लो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी लगा देंगे, तो पहले एक्स माइनस ए की पावर एम। अब डिफरेंशिएशन मतलब क्वेश्चन में क्या घुमाएगा, इतना घुमाएगा कि कभी डिफरेंशिएशन थोड़ा टप कर देगा, बाकी मेथड तो वही है। तो डिफरेंशिएशन एन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन एन माइनस वन प्लस, फिर एक्स का वन हो गया था है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन एम आगे आ गया, पावर का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, और फिर वन हो गया, बस हो गया। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आप कॉमन ले लो एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन, तो बताओ क्या रहेगा यहाँ पर, एन अपॉन एक्स माइनस बी रहेगा है ना, माइनस वन तो नीचे चला गया हो, और यहाँ रहेगा एम अपॉन एक्स माइनस ए रहेगा, ठीक। ये एफ डैश एक्स इक्वल टू है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा समीकरण दो से, एफ डैश सी, एफ डैश सी तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एन अपॉन एक्स सी, सी पुट करना है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो में चला गया, अब इसको जीरो के इक्वल करो। यहाँ देखो एन एन अपॉन सी माइनस बी प्लस एम अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ये हो चुका है, सी हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, सी माइनस ए सी माइनस बी, तो एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो में चला गया। यहाँ पर सी किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो सी कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा यहाँ पर एन प्लस एम, और बाकी को इधर भेज दो एम बी प्लस एन ए, तो सी इक्वल टू क्या आ गया एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। याद करो ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ए और बी को कोई लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई अनदर पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, अंतःविभाजन। तो ये बताओ ये सी की वैल्यू ए और बी में आए है क्या, है ना, बीच भाई अंतःविभाजन है तो बीच में ही तो होगी, तो ये ए और बी के बीच में है, ये इम्पोर्टेंट था। अतः रोलेस थ्योरम आर टी इज एप्लीकेबल, सत्य सिद्ध हुआ, हिंदी में लिख लो। अतः आर टी सत्यापित है या हुआ, ठीक है, बस इतनी सी बात है, थोड़ा ध्यान रखना। तो आज का टाइम यहीं पर हो गया है, कोशिश करना ये आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री तो मैंने सोल्व कर दिया है, ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चन आप सोल्व करके लाएं, फिर और होमवर्क करेंगे, पहले एलएमवीटी और होमवर्क दूंगा, पहले एलएमवीटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच।